हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यूर वेलकम टू माई YouTube चैनल दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल वीडियो लेट मी टेल यू इस वीडियो में मैंने क्या कवर किया है सो so, इस एक सिंगल वीडियो में uh, मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का पूरा स्टोरी कैप्चर करने का कोशिश किया है सो so, अगर आप एक्टिव uh, रहते हो एंड यू आर अ डीप लर्निंग एंथुसियास तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको चैट जी पी टी के बारे में आई एम प्रिटिश और आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी सुन रखा होगा बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को पूरी की पूरी जो स्टोरी है चार्ट जी की वो नहीं पता है सो so, अगर आपने थोड़ा बहुत डीप लर्निंग पढ़ रखा है मेरी डीप लर्निंग प्लेलिस्ट से तो यू आर द राइट पर्सन जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है uh, इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि मैंने चैट जीपीटी तक का जो पूरा हिस्ट्री है वो कवर करने की कोशिश की है स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसटीएम सो अगर आपको आर एन का थोड़ा आइडिया है तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाओगे मैंने इस पूरी हिस्ट्री को पांच स्टेजेस में आ, डिवाइड किया है और फिर हर स्टेज को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने हर स्टेज में क्या इनोवेशन हुआ किसने वो इनोवेशन किया ये समझाया है उसके बाद उस इनोवेशन में क्या प्रॉब्लम थी जिससे फिर अगले स्टेज पे कुछ नया इनोवेशन करने की ज़रूरत पड़ी ये समझाया है और ऐसे करते करते हम इवेंचुअली चैट जीपीटी तक पहुँचे सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ रियली क्यूरियस कि चैट जी पी कैसे पिक्चर में आया कैसे काम करता है उसके पीछे की टेक्नोलॉजीज़ कैसी हैं अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए या इन सारी चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियस हो तो दिस कैन बी अ ग्रेट वीडियो फॉर यू थोड़ा लंबा है बिकॉज ऑब्वियसली मैंने डेप्थ में जाने की कोशिश की है बहुत सारे डायग्राम्स बना बना के आपको समझाने की कोशिश की है बट द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप एक ए आई हो चैट जी पी टी के फ़ैन हो तो चैट जी की जो बैक स्टोरी है वो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझा देगा सो आई एम रियली एक्साइटेड बहुत मेहनत की इस वीडियो पे आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आए लेट स्टार्ट द वीडियो तो जब मैंने ये डीप लर्निंग प्लेलिस्ट प्लान किया था लास्ट ईयर तो मैंने अपने दिमाग में पांच मॉड्यूल्स बनाए थे कि मुझे ये पांच मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं इस प्लेलिस्ट में जो सबसे पहला मॉड्यूल था वो था एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो सबसे सिंपल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क होता है सो मॉड्यूल वन में मेरा प्लान था कि ए अच्छे से कवर करना है साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कवर करना है एंड दैट इज हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ए तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी रेगुलराइजेशन पढ़ा था ड्रॉप आउट्स पढ़े थे अर्ली uh, स्टॉपिंग पढ़ा था ये सारी चीज़ें हमने मॉड्यूल वन में कवर की थी उसके बाद मॉड्यूल टू में मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको इमेज डेटा के ऊपर काम करना सिखाऊंगा और वहां पर हम सी पढ़ेंगे कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क तो यहां पर मेरे दो गोल्स थे पहला आपको सी कैसे काम करते हैं ये समझाना और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाना जिसको हम ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं तो दिस वाज मॉड्यूल टू फिर मॉड्यूल थ्री में मैंने प्लान किया था कि मैं आपको आर एन पढ़ाऊंगा ये आपको सीक्वेंशियल डेटा पे डीप लर्निंग कैसे लगाई जाती है वो सिखाऊंगा तो यहाँ पर हमारा गोल था आर के बारे में पढ़ना और समझना और इसके अलावा कुछ और जो फेमस आर्किटेक्चर्स हैं जैसे कि एल हुआ या फिर जी हुआ ये पढ़ना तो ये तीन मॉड्यूल्स तो हमने कर लिए बट इसके अलावा मैंने दो और मॉड्यूल्स प्लान किए थे सो जो फोर्थ मॉड्यूल था मेरे दिमाग में वो था सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पढ़नी हैं जैसे कि एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर हुआ या फिर अटेंशन मैकेनिज्म हुआ या फिर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप बोलो तो ट्रांसफॉर्मर्स हुआ और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स का फाइन ट्यूनिंग हुआ तो ये फोर्थ मॉड्यूल मैंने प्लान किया था और लास्टली मैंने जो एक फिफ्थ मॉड्यूल प्लान किया था वो था अनसुपरवाइज लर्निंग यूजिंग डीप लर्निंग तो यहां पर मेजरली गैंस के बारे में पढ़ना था जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क एंड ऑटो इनको के बारे में पढ़ना था तो अभी तक का हमारा प्रोग्रेस ये है कि हमने इतना तो कवर कर लिया है दिस मच वी हैव कवर्ड इन लाइक सिक्सटी फाइव वीडियो और अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं लास्ट दो मॉड्यूल्स की तरफ जो कि ये है और उसमें भी अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स की तरफ जो आज के रेट में इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो रखे हैं और ये जो आज के डेट में आप एल के बारे में सुन रहे हो चार्ट जी के बारे में सुन रहे हो ओपन ए के बारे में सुन रहे हो इन सब के बारे में अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है तो हमारा ये जो फोर्थ मॉड्यूल है आपको बहुत पर्सपेक्टिव देगा तो गोइंग फॉरवर्ड आज का वीडियो अगर आप मिला दो और आगे के दस बारह वीडियोस अगर आप मिला दो तो वी आर गोइंग टू कवर दिस फोर्थ मॉड्यूल इन आर डीप लर्निंग प्लेलिस्ट सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डिस्कस की सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स या फिर इसको सीक टू सीक बोला जाता है uh, ये मॉडल्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं तो गाइस सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स जो होते हैं इनके स्टोरी की जो शुरुआत है ना वो एक्चुअली आर से होती है आर से या फिर आप बोल सकते हो सीक्वेंशियल डेटा से होती है सो so अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आर जो होते हैं वो स्पेसिफिकली सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर काम करने के लिए बनाए गए थे सीक्वेंशियल डेटा मतलब जहाँ पे डेटा में कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे इस तरह के डेटा का जैसे कि बेसिकली लैंग्वेज वहाँ पर हम जो सेंटेंसेस यूज करते हैं अभी जो मैं आपको ये वीडियो में बोल रहा हूँ तो यहाँ पर सीक्वेंस का कुछ मीनिंग है कुछ वर्ड्स बाद में आ रहे हैं कुछ पहले आ रहे हैं तो वो जो ऑर्डर है वर्ड्स का उसका एक मीनिंग है इसके अलावा मैंने आपको और बताया था टाइम सीरीज बेस्ड डेटा दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पर सिक्वेंस uh, बहुत मैटर करता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत जगहों पे जीन्स वगैरह का सीक्वेंस होता है तो उस उस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर आर एन एन बहुत अच्छा काम करते हैं तो अगर आपको आर एन एन के सारे वीडियोज याद होंगे तो मैंने आपको वहां पर एक पर्टिकुलर वीडियो में टाइप्स ऑफ आर एन एन पढ़ाया था जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि आर एन एन के कितने टाइप्स होते हैं सो अगर आपको याद हुआ तो देर आर थ्री टाइप्स थ्री मेजर टाइप्स उनमें से सबसे पहला जो टाइप था ना उसको हम बुलाते हैं मेनी टू वन आर एन एन यहां पर क्या होता है कि आपके पास जो इनपुट डेटा होता है उसमें सीक्वेंस होता है और जो आउटपुट डेटा होता है उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता वो सिंपल एक स्केलर होता है नंबर हो सकता है और भी कुछ हो सकता है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था और वो था सेंटिमेंट एनालिसिस वहां पर हमने देखा था कि आपका जो इनपुट था वो मूवी के रिव्यूज थे मतलब टेक्स्ट था टेक्स्ट था मतलब उसमें सीक्वेंस होगा और हमें प्रिडिक्ट करना था कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो जो आउटपुट था वो स्केलर था तो सेंटिमेंट एनालिसिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मेनी टू वन तो दिस वाज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ आरएनएन फिर हमने एक सेकेंड टाइप पढ़ा था जिसको हम बुलाते हैं वन टू मेनी। यहाँ पर जो आपका इनपुट होता है वो एक स्केलर होता है स्केलर नॉट नेसेसरीली स्केलर बट एक ऐसा इनपुट जहां पर कोई सीक्वेंस नहीं है और जो आउटपुट होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें सीक्वेंस होता है इसका मैंने आपको एक तो एग्जाम्पल बताया था पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इमेज कैप्शनिंग ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जहां पर आप क्या करते हो इनपुट में एक इमेज देते हो और आउटपुट में आप उसका एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन जनरेट करते हो ठीक है जैसे एक इमेज में लेट्स से आपने एक फोटो दिया जहाँ पर एक बंदा घोड़ा चला रहा है घोड़े को चला रहा है तो आउटपुट वुड बी समथिंग लाइक दैट अ मैन इज राइडिंग अ हॉर्स तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था गूगल uh, इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता है गूगल इमेज सर्च में तो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ वन टू मेनी और ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ आरएनएन था उसके बाद मैंने आपको एक थर्ड टाइप बताया था जिसको हम मैनी टू मैनी बुलाते हैं मैनी टू मैनी यहाँ पर क्या होता है इनपुट में भी आप एक ऐसा डेटा देते हो जिसमें सीक्वेंस होता है और आप आउटपुट में ऐसा डेटा एक्सपेक्ट करते हो जिसमें सीक्वेंस होता है दोनों जगह सीक्वेंस होता है इसके दो टाइप्स थे एक था जहां पर आप लेंथ एक्चुअली uh, इसको फिक्स लेंथ नहीं बोलते इसको हम जितना मुझे याद आ रहा है सिंक्रोनस मैनी टू मैनी बुलाते हैं सिंक्रोनस क्यों बिकॉज जितने आपके इनपुट्स हैं उतने ही आपके आउटपुट्स होंगे यू कैन सी इस तरह के मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए थे एक था पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग जहां पर आप फॉर एवरी गिवन वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच फिगर आउट करते हो और दूसरा मैंने आपको बताया था नेम्ड एंटिटी रिकॉन्शन जहां पे फॉर एवरी गिवन वर्ड आप उसको एज एन एंटिटी रेक करते हो तो दिस सिंक्रोनस एंड द वन इज असिंक्रोनस असिंक्रोनस में क्या होता है कि यहां पर भी इनपुट में सीक्वेंस ही होता है और आउटपुट में भी सीक्वेंस होता है बट इन दोनों का लेंथ जो होता है वो बराबर नहीं होता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है जैसे यहां पर हो सकता है आपने इनपुट में चार टाइम स्टेप्स में इनपुट प्रोवाइड किया बट यहाँ पर फाइव टाइम स्टेप्स में आउटपुट निकल के आया ऐसा पॉसिबल है और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है मशीन ट्रांसलेशन बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे कि गूगल ट्रांसलेट होता है गूगल ट्रांसलेट में इफ़ यू रिमेंबर आप एक लैंग्वेज इनपुट में देते हो और दूसरे लैंग्वेज में आपको आउटपुट मिलता है यू कैन सी यहां पर देर आर थ्री इनपुट्स बट सिक्स आउटपुट्स तो इसको बोला जाता है असिंक्रोनस मेनी टू मेनी आर एन एन का आर्किटेक्चर तो आपका जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स होते हैं ना सीक्वेंस टू सीक्वेंस जो मॉडल्स होते हैं सिक टू सिक जो मॉडल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए जहां पर आपके पास एक मेनी टू मेनी प्रॉब्लम है और वो भी असिंक्रोनस है मतलब इनपुट में अलग साइज है आउटपुट में अलग साइज है तो इसको सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स आए तो अभी तक हम आरएनएन में जब पढ़ रहे थे तो हम इन सभी के बारे में पढ़ रहे थे बट अब जब हम मॉड्यूल फोर में स्पेसिफिकली सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स की बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस आर्किटेक्चर हम इसकी बात नहीं करेंगे हम इसकी बात नहीं करेंगे इसकी बात नहीं करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जहां पर हमारे पास इनपुट में भी सीक्वेंस है आउटपुट में भी सीक्वेंस है और जरूरी नहीं है कि इन दोनों सीक्वेंसेस का जो लेंथ है वो बराबर होगा ठीक है तो ये काइंड kind ऑफ of मैंने आपको एक एक वॉट बताया कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स किस तरह के डेटा और किस तरह के प्रॉब्लम्स पे एप्लीकेबल होते हैं अब ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स जो होते हैं वो सिर्फ मशीन ट्रांसलेशन वाला टास्क पे ही एप्लीकेबल हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जहाँ पर आप सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकते हो यूज कर सकते हो तो मैं आपको एक दो और टास्क बताता हूँ Uh, एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है टेक्स्ट समराइजेशन का सो so, बेसिकली आपके पास एक बहुत uh, बड़ा सा चंक ऑफ टेक्स्ट है और आपको उसका समरी चाहिए तो यहाँ पर जो बड़ा सा टेक्स्ट है वो भी एक सीक्वेंस है और उससे आपको जो समरी चाहिए वो भी एक सीक्वेंस है तो इस प्रॉब्लम के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल को अप्लाई कर सकते हो एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन uh, होता है क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम मतलब आपके यूजर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है और आपको उसका आंसर जनरेट करना है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक टेक्स्ट है तो सीक्वेंस हुआ और आंसर भी टेक्स्ट है तो वो सीक्वेंस हुआ तो इस तरह के मॉडल्स को आप जनरली किसी नॉलेज बेस के ऊपर ट्रेन करते हो लाइक विकीपीडिया एक्सेट्रा और फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो थर्ड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है चैट या कॉन्वर्सेशनल ए आई जहाँ पर आप एक डायलॉग बेस्ड सिस्टम के थ्रू एक चैटबॉट से बात करते हो सो so यहाँ पर भी आपको इनपुट जो मिलता है वो एक टेक्स्ट होता है मतलब सीक्वेंस होता है और जो रिस्पॉन्स चैट देता है वो भी एक टेक्स्ट होता है एज एन सीक्वेंस uh, होता है ठीक है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं uh, जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम्स हो गए राइट right? uh, जो यूट्यूब ने डिप्लॉय कर रखा है सब टाइटल्स के लिए वहां पर भी जो स्पीच है वो सीक्वेंस ऑफ डेटा है टेक्स्ट जो निकल के आ रहा है इंग्लिश में दैट इज आल्सो सीक्वेंस ऑफ डेटा तो यही अच्छी बात है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स की कि वो कई तरह के डिफिकल्ट एनएलपी टास्क को सॉल्व कर पाता है एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन्स कि आज के डेट में मार्केट में बहुत वैल्यू है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स की तो जस्ट वांटेड टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव कि अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज ट्रांसलेशन और क्या क्या चीजें हैं जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स कर सकते हैं और हम इनमें से एक दो चीज़ें बना के भी देखेंगे अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे जहां पर हम सीक्वेंस टू तो सीक्वेंस मॉडल कहाँ से स्टार्ट हुआ और वहां से चैट जीपीटी तक कैसे पहुंचा ये हम लोग डिस्कस करेंगे तो गाइस ये जो पूरा हिस्ट्री है सीक्वेंस टू तो सीक्वेंस मॉडल्स का इसको कंप्लीटली अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो तो इफ यू आस्क मी मैं इस पूरी हिस्ट्री को फाइव इंपॉर्टेंट स्टेजेस में डिवाइड करना चाहूंगा सो so, सबसे पहला जो सोल्यूशन निकल के आया था सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क को सॉल्व करने के लिए वो था एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर ये सोल्यूशन 2014 में प्रपोज किया गया था और दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू सॉल्व क्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम लाइक मशीन ट्रांसलेशन ऑब्वियसली इसमें कुछ फ्लॉस थे और इसीलिए फिर इसके बाद एक सेकेंड सोल्यूशन प्रपोज किया गया स्टेज टू में जिसको हम बोलते हैं अटेंशन मैकेनिज्म भी सुना होगा बहुत फेमस टर्म है डीप लर्निंग में अटेंशन मैकेनिज्म के आने के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ बट फिर भी कुछ परेशानियां थी जिसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल आर्किटेक्चर काइंड ऑफ क्रिएशन हुआ जिसको हम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं और आई गेस फॉर श्योर आपने ट्रांसफॉर्मर का नाम सुना होगा इनफैक्ट चैट जीपीटी में जो लास्ट में टी है ये ट्रांसफॉर्मर है ठीक है तो बहुत ही पावरफुल आर्किटेक्चर है और इसको हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद ट्रांसफार्मर्स को यूज करके एक कंप्लीटली नया पैराडाइम शिफ्ट आया एनएलपी के डोमेन में जिसको हम ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं ये कंप्यूटर विजन के डोमेन में ऑलरेडी बहुत फेमस टर्म है बट एन में ये थोड़ा बाद में आया था बट इसके आने के बाद चीजें बहुत इंप्रूव की और फिर लास्टली हम पहुंचे फाइनल स्टेज में जिनको हम एल बुलाते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चैट जीपीटी तो अब हम क्या करेंगे हम इन सारे स्टेजेस को ना एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे और एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे बिकॉज आगे चल के मैं चाहता हूं कि हम इन सारे स्टेजेस को डिटेल में पढ़ें तो पहले से अगर आपके पास एक ओवरव्यू होगा ना तो आप बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव लेकर के आगे बढ़ोगे ठीक है तो दैट्स तो द तो 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 प्लान नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आर डिस्कशन अराउंड एन कोडर डी कोडर मॉड्यूल तो स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जहां पर हम स्टेज बाय स्टेज इस पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेज वन की जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनकोडर डी कोडर आर्किटेक्चर सो so, ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है 2014 में 2014 में गूगल के अंदर एक टीम थी जो ये बंदा लीड कर रहा था आई एम प्रिटी श्योर आप इनको जानते होंगे हिज नेम इज़ इलियास कीवर ही इज करेंटली द को फाउंडर ऑफ ओपन ए आई एंड ही इज लाइक वन ऑफ द मेन गाइज बिहाइंड चैट जी पी टी वेरी वेरी प्रोमिनेंट फिगर आज के डीप लर्निंग के इंडस्ट्री uh, में सो ही अलोंग विथ हिज टू अलॉन्ग दे एक्चुअली गोट अ पेपर बाय द नेम ऑफ सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग विथ न्यूरल नेटवर्क एंड दिस बिकम अ सेमिनल पेपर लाइक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर uh, हो गया ये पेपर uh, इस पेपर में इन लोगों ने Uh, ये प्रपोज किया कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है ठीक से सो दे प्रपोज अ डिफरेंट आर्किटेक्चर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दे कॉल्ड दिस आर्किटेक्चर एनकोडर डिकोडर नेटवर्क ठीक है तो मैं ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा आपको बिकॉज हम बस इंट्रोडक्शन में बात कर रहे हैं अगला वीडियो जो है वो पूरा का पूरा एनकोडर डिकोडर नेटवर्क के ऊपर होगा वहां पे हम डिटेल में इसका पूरा मैथ समझेंगे फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको एक सिंपल ओवरव्यू देने का सो सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क में क्या होता है कि आपके पास एक इनपुट सीक्वेंस होता है और आप उससे एक आउटपुट सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हो जैसे कि मशीन ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं वहां पर मान लो कि हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है मान लो हमारा इंग्लिश सेंटेंस है आई लव इंडिया और ऑब्वियसली जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे हिंदी में तो कुछ ऐसा आएगा मुझे भारत से प्यार है समथिंग लाइक दैट ठीक है तो इन लोगों ने क्या प्रपोज किया एक बहुत सिंपल और एलिगेंट सोल्यूशन प्रपोज किया इन्होंने बोला कि हमारे आर्किटेक्चर के दो पार्ट्स होंगे एक होगा एनकोडर और दूसरा होगा डी कोडर एनकोडर का काम क्या होगा कि एनकोडर आपका जो इनपुट सीक्वेंस है उसको प्रोसेस करेगा वर्ड बाय वर्ड और उसको उस पूरे इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर देगा ठीक है और उसी कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन को वो डिकोडर के पास भेजेगा अब डिकोडर का, का काम क्या होगा कि डीकोडर इस कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन को उठाएगा और इससे एक एक करके आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इज लाइक like, पहली बार में मुझे निकलेगा, फिर भारत निकलेगा फिर से निकलेगा फिर प्यार निकलेगा फिर है निकलेगा ठीक है अब आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि इस एनकोडर के अंदर और इस डी के अंदर एग्जैक्टली exactly है क्या तो एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज है आंसर इज एल एस टी एम इन लोगों ने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पर एक एल एस टी एम सेल को डाल दिया और सिमिलरली यहाँ पर भी एक एल एस टी एम सेल को डाल दिया आप जी आर यू भी यूज कर सकते हो आप आर एन भी यूज कर सकते हो बट इस पेपर में इन लोगों ने एल एस टी एम के साथ काम किया तो बेसिकली हो क्या रहा है अगर आप ये दूसरा डायग्राम देखो तो इसमें थोड़ा ज्यादा इलेबरेटेड तरीके से समझाया हुआ है कि यहाँ पर अंदर में एक आर एन एन सेल है आर एन एन सेल कुछ भी हो सकता है इट

वो बेसिकली पूरे टाइम अपडेट हो रहे हैं और वो अभी तक जितना सेंटेंस आपने भेजा है उस पूरे इंफॉर्मेशन को काइंड ऑफ समराइज करते जा रहे हैं ठीक है जैसे ही आपने लास्ट वर्ड भेजा तो लास्ट वर्ड के बाद जो फाइनल आउटपुट निकलता है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दिस एंटायर सेंटेंस अब इस कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन को आप डिकोडर में भेजते हो डिकोडर में भी सेम सेटअप है यहां पर भी अंदर में एक एलएसटीएम सेल है जिसको आप इनपुट में ये कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हो और डिकोडर क्या करेगा कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको आउटपुट कैलकुलेट करके देगा जैसे यहां पर जो आउटपुट है वो जर्मन में है आई गेस तो दिस इज हाउ एनकोडर डिकोडर मॉड्यूल्स वर्क अब ऑब्वियसली मैंने बहुत डिटेल में आपको चीजें नहीं समझाई इसके अंदर काफी मैकेनिक्स हैं जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा बट आई आई होप मैं आपको एक ओवरव्यू दे पाया अब हुआ क्या कि ये एनकोडर डी कोडर मॉड्यूल जो था ये अच्छा काम करता था जब आप इसको स्मॉल सेंटेंसेस देते थे अगर आप इसको छोटे छोटे सेंटेंसेस देते थे तो ये ट्रांसलेशन सही से कर देता था बट जैसे ही आप इसको लॉन्गर sentences देने लग जाओ लेट से एक पूरा पैराग्राफ आपने दे दिया और आप बोल रहे हो कि भाई इस पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करो तो वहां पे क्या हो रहा था कि जो आउटपुट निकल के आ रहा था वो उतना सही नहीं था मतलब मीनिंग नहीं बन रहा था मतलब द ट्रांसलेशन यूज टू लूज इट्स मीनिंग ठीक है मतलब बेसिकली कुछ भी बकवास प्रिंट हो रहा था तो लोगों ने समझने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या रीजन है तो इसके पीछे एक्चुअली एक बहुत सिंपल सा रीजन है रीजन क्या है कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर है इसमें क्या कर रहे हो आप कि आप वर्ड बाय वर्ड बेसिस पे इनपुट में एनकोडर के अंदर इनपुट uh, भेज रहे हो और ये जो एनकोडर है ये क्या कर रहा है उस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहा है इन टू दिस वैक्टर इसको बाय द वे कॉन्टेक्स्ट वैक्टर बोला जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे तो हो क्या रहा है कि इस पूरे इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करने का जो पूरा लोड है वो इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के ऊपर है अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये सेंटेंस बहुत लंबा हो जाए इसमें मान लो हंड्रेड वर्ड्स आ जाए तो ये जो शुरू वाले वर्ड्स है ना वो काइंड ऑफ लाइक भूलने लग जाता है हमारा नेटवर्क तो बेसिकली मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होने लग जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम होने लग जाता है तो दैट इज वाई जो डिकोडिंग हो रही थी वो सही से नहीं हो पा रही थी सो so, जो मेन प्रॉब्लम है इस आर्किटेक्चर का वो ये है कि एट द एंड सब कुछ जो भी डी होगा वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि लास्ट टाइम स्टेप पे आउटपुट क्या है वॉट इज दैट कॉन्टेक्स्ट वैक्टर तो बिकॉज ऑफ दैट जो लॉन्गर सेंटेंसेज थे वहां पे अच्छा ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा था सो so, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया गया जिसको हम बोलते हैं

जो आपका इनपुट सीक्वेंस होता है वो एनकोडर में चला जाता है और फिर क्या करता है डिकोडर जो है वो one one, step step है वो वन वन बाय बाय स्टेप स्टेप आउटपुट सीक्वेंस को प्रोड्यूस करता सो अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस डाला वर्ड बाय वर्ड यहाँ से आपको हिंदी में वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस आउटपुट मिलता है ठीक है अभी प्रॉब्लम क्या है स्टेट में इस आर्किटेक्चर में कि मैंने थोड़ी देर पहले भी हालांकि डिस्कस किया था कि आप वन बाय वन जब अपने वर्ड्स भेज रहे हो इनकोडर में तो ये सारे के सारे वर्ड्स काइंड ऑफ समराइज होते रहते हैं और एंड में जब ये पूरा सीक्वेंस खत्म हो जाता है तो वो पूरा का पूरा जो समरी है वो एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में रिटेन हो जाता है और यही कॉन्टेक्स्ट वेक्टर डिकोडर यूज करता है डी करने के लिए बट द प्रॉब्लम विद दिस आर्किटेक्चर इज कि इस कॉन्टेक्स वेक्टर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है मतलब इस पूरे सेंटेंस की जो समरी है या रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर पे डिपेंडेंट है नाउ द प्रॉब्लम अराइजेज वेन यू हैव अ वेरी लॉन्ग इनपुट सीक्वेंस इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग इनपुट सीक्वेंस मतलब बहुत बड़ा सेंटेंस है जनरली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि अगर थर्टी वर्ड से ज्यादा है तो फिर आपका जो ट्रांसलेशन होता है डी के थ्रू इट डज नॉट मेक एनी सेंस जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं ये सेंटेंस पढ़ो इस सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस करोगे कि ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है मैं एक बार पढ़ रहा हूं सैडली मिस्टेकन ही रियलाइज दैट द जॉब ऑफर वॉज एक्चुअली एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी दैट वुड लीड टू सिग्निफिकेंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ठीक है अब ये सेंटेंस को अगर मैं इस एनकोडर में डालू तो सबसे पहला जो वर्ड रहेगा वो रहेगा सैडली यहाँ पर सैडली आएगा उसके बाद आएगा मिस्टेकन सेकेंड नंबर पे फिर ही फिर रियलाइज और काफी एंड में जाके ग्रोथ आएगा अब प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा रिसेंसी बायस होने की वजह से जो शुरू वाले वर्ड्स हैं वो काइंड kind ऑफ of अच्छे से कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कैप्चर नहीं हो पाते तो मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये फर्स्ट दो वर्ड सही से कैप्चर नहीं हो पाए तो अब आप इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ो और यहाँ से स्टार्ट करो यू वुड रियलाइज कि पूरा का पूरा जो सेंटिमेंट था वही बदल गया और यही प्रॉब्लम होता है जब आप एनकोडर डी कोडर आर्किटेक्चर में लंबे सेंटेंसेस भेजते हो पैराग्राफ्स भेजते हो जो ट्रांसलेशन का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है इनफैक्ट एक रिसर्च uh, में एक ग्राफ भी प्लॉट करके लोगों ने समझाने की कोशिश की थी जहां पर वाई एक्सेस में था ट्रांसलेशन का क्वालिटी इसको मेजर करने के लिए एक मैट्रिक यूज किया जाता है जिसको हम ब्लू स्कोर बोलते हैं ठीक है और यहां पर है नंबर ऑफ वर्ड्स इन द इनपुट सीक्वेंस और ये जो ग्राफ था ये कुछ ऐसा था जहां पर जैसे ही आप थर्टी वर्ड्स क्रॉस कर रहे हो जो ट्रांसलेशन क्वालिटी है वो डिग्रेड करने लग जाता है दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ अटेंशन आई एम सॉरी एनकोडर डीकोडर मॉड्यूल दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ एनकोडर डी कोडर आर्किटेक्चर कि लंबे सिक्वेंसिस को सही से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया अटेंशन मैके सो 2015 में योशुआ बो है वेरी फेमस रिसर्चर और उनकी जो टीम है दीज गाइज रोट अ पेपर बाय द टाइटल न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन बाय ज्वाइंटली लर्निंग टू अलाइन एंड ट्रांसलेट ये एक पेपर आया जो कि पहली बार अटेंशन मेकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया ठीक है यहाँ पर अगर आप इस पेपर का सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ोगे तो यू वुड फाइंड यहाँ पे लिखा हुआ है

तो सबसे पहले मैं आपको अटेंशन मैकेनिज्म के पीछे का जो कोर आइडिया है वो समझाऊंगा और फिर मैं आपको एक छोटा सा स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन दूंगा कि अटेंशन मैकेनिज्म काम कैसे करता है तो जो अटेंशन बेस्ड एनकोडर डिकोडर मॉड्यूल होता है होता वो भी एनकोडर डी ही है बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो एनकोडर ब्लॉक होता है ना वो तो सेम होता है जैसा आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर में मिलेगा जो डिफरेंस आता है ना वो आता है डिकोडर ब्लॉक में कैसा आता है डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ जो ट्रेडिशनल एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर है जैसा कि मैंने बताया वहां पर जो स्टेट वेक्टर है जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है वो फाइनल स्टेप के बाद निकल के आता है और फिर जाकर के डिकोडर को मिलता है ठीक है और फिर डिकोडर स्टेप बाय स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन करता है बट इन अटेंशन बेस्ड एनकोडर डिकोडर क्या होता है कि कोई एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर नहीं होता है एट एनी स्टेप ऑफ द डिकोडर डिकोडर के पास एनकोडर के सारे इंटरनल स्टेट्स का इंफॉर्मेशन होता है राइट right? ये अंदर में एक एलएसटीएम है तो एलएसटीएम के जो इंटरनल स्टेट्स होते हैं सी टी और एच टी वो हर टाइम स्टेप के बाद आपको दिखाई देंगे तो यहां पर क्या फंडा है कि ये इंटरनल स्टेट्स हर टाइम अवेलेबल है लाइक दिस जैसे आप सेकेंड वर्ड प्रिडिक्ट करना ट्रांसलेट करने जा रहे हो सेकेंड वर्ड प्रिंट करने जा रहे हो तो ये सेकेंड वर्ड प्रिंट करने के लिए इफ आई वॉन्ट मैं एनकोडर का कोई भी इंटरनल स्टेट को देख सकता हूं ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है जबकि ट्रेडिशनल वाले में लेट से मैं सेकंड वर्ड को प्रिंट करने जा रहा हूं या प्रिडिक्ट करने जा रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ ये आखिरी वाला स्टेट है विच इज द कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन एकदम एंड वाला यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर मेरे पास हर इंटरमीडिएट स्टेट का इंफॉर्मेशन है इस वर्ड को प्रोसेस करने के बाद एनकोडर ने क्या सोचा ये इंफॉर्मेशन भी है इन दोनों वर्ड्स को प्रोसेस करने के बाद इनकोडर ने क्या सोचा ये इन्फॉर्मेशन भी है इन तीनों को प्रोसेस करने के बाद क्या सोचा वो भी है और पूरे को प्रोसेस करने के बाद क्या सोचा वो भी है सो so, इससे क्या फायदा होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को प्रिंट करने के लिए मेरे पास पूरे के पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है अब बस एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास किसी भी एक वर्ड को प्रिंट करने के लिए बहुत सारे हिडन स्टेट्स का इंफॉर्मेशन है बट हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा हिडन स्टेट हमारे लिए यूजफुल है मतलब इस वर्ड को प्रिंट करने में यूजफुल है एंड दिस इज वेयर अटेंशन कम्स इन टू द पिक्चर सो अटेंशन इज बेसिकली मैकेनिज्म जो डायनेमिकली फॉर एनी डी कोडर स्टेप गिवन सारे एनकोडर हिडन स्टेप में से उस स्टेप को खोज के निकाल पाता है जो करंट वर्ड को प्रिंट करने में एक्चुअली हेल्पफुल है ठीक है बेसिकली करंट वर्ड जो ट्रांसलेट हो रहा है उसके लिए इनपुट सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूजफुल है ये फिगर आउट करने का तरीका है अटेंशन मैकेनिज्म ठीक है सो यू कैन सी यहां पर ये जो व्हाइट कलर का ब्लॉक है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि इसके पास ये सारे हिडन स्टेट्स का इंफॉर्मेशन है बट इसका काम क्या है फॉर द करेंट टाइम स्टेप ऑफ डी ट्राई टू फिगर आउट कि इनमें से कौन सा हिडन स्टेट एक्चुअली यूजफुल होगा ठीक है तो होता क्या है कि ये एक न्यूरल नेटवर्क ही होता है जो इस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर के साथ ट्रेन होता है और उसका काम होता है टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल हिडन स्टेट फॉर द करेंट टाइम स्टेप ऑफ द डिकोडर अब अगर ये बात आपको थोड़ी और डिटेल में समझनी है तो ये डायग्राम ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर मैंने उसी एनकोडर डी कोडर आर्किटेक्चर को थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाया है ये डायग्राम मुझे गूगल से मिला सो uh, so, यहाँ पर आप ये वाला पार्ट अगर पकड़ के चलो तो दिस इज योर एनकोडर ब्लॉक और अगर आप इसको पकड़ के चलो तो दिस इज योर डी कोडर ब्लॉक सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहां से आप एक एक करके अपने वर्ड्स एनकोडर में डाल रहे हो ठीक है और हर टाइम स्टेप के बाद आपके पास एक एनकोडर हिडन स्टेट है बेसिकली और और है, है। ये आपका फाइनल अब आप क्या कर रहे हो सारे के सारे जो अपने हिडन स्टेट्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला उसको आप यहां पे स्टोर कर ले रहे हो ठीक है अब यहां से डिकोडर का, का काम स्टार्ट हुआ तो जैसे ही वो फर्स्ट वर्ड को प्रिंट करने जाएगा उसके पहले वो सारे के सारे हिडन स्टेट्स को उठाएगा और अटेंशन लेयर में डाल देगा अब अटेंशन लेयर का, का काम क्या है उसका काम है ये फिगर आउट करना कि इस वर्ड को प्रिंट करने के लिए इनमें से कौन सा हिडन स्टेट सबसे यूजफुल होगा जैसे ही उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको एक कॉन्टेक्स्ट वेट वेक्टर में कन्वर्ट करके हम इस नेटवर्क में डाल देंगे और हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे हमें सेकेंड वर्ड को प्रिंट करना है सेकेंड वर्ड को प्रिंट करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं हम अपने सारे हिडन स्टेट्स को ले रहे हैं अटेंशन लेयर में डाल रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इनमें से कौन सा हिडन स्टेट सबसे यूजफुल होगा इस वर्ड को प्रिंट करने के लिए ठीक है अब ऑब्वियसली इस अटेंशन लेयर के अंदर क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है वो अभी इस वीडियो के टॉपिक के बाहर की बात है हम आगे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे बट फिलहाल आपको बस ये समझना है कि यहाँ पर अलग क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल वाला कन्वेंशनल एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर था वहां पर आपके पास सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट वेक्टर था फॉर एवरी स्टेप ऑफ द डिकोडर बट अगर आप अटेंशन बेस्ड एनकोडर डिकोडर की बात करो तो यू वुड फाइंड कि यहां पर हर टाइम स्टेप पे अपना अलग कॉन्टेक्स्ट वेक्टर कैलकुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अटेंशन लेयर एंड दैट इज वाई कल को अगर मुझे कुछ ऐसा सेंटेंस भी मिल जाता है सैडली मिस्टेकन ही रियलाइज तो जैसे ही वो पहला वर्ड ट्रांसलेट करने जाएगा तो वो एक्चुअली बहुत शुरू वाले लेयर्स के ऊपर फोकस करेगा इस वाले हिडन स्टेट पे फोकस करेगा जो पहला कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली इस वाले हिडन स्टेट को ज्यादा स्कोर देगा और इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में इसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली हम कभी भी ना शुरू का पार्ट मिस करेंगे सेंटेंस का ना लास्ट का पार्ट मिस करेंगे ना बीच का पार्ट मिस करेंगे और यही मेन आपका जो बेनिफिट है वो अटेंशन मैकेनिज्म लेके आता है पिक्चर में ठीक है तो आई नो मैंने बहुत डिटेल में मैथ्स बेस्ड डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ बेसिक आइडिया इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे जहां पर हम इसको अच्छे से समझेंगे अब जो अटेंशन मैकेनिज्म था उसके आने से फायदा तो बहुत हुआ बट अटेंशन मैकेनिज्म का एक नुकसान भी था और वो था कि यू कैन सी दिस आर्किटेक्चर एंड ईजिली अंडरस्टैंड कि बिकॉज हम हर डिकोडर टाइम स्टेप पे सेपरेट कॉन्टेक्सड वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर ईच टाइम स्टेप जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी था या फिर आप बोल सकते हो ट्रेनिंग टाइम था वो इंक्रीज हो जा रहा था ठीक है इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं सो so, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आप क्या कर रहे हो आप बेसिकली आपके पास हर हिडन स्टेट अवेलेबल है आप अपने करंट वर्ड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हिडन स्टेट है उसको निकालना चाह रहे हो और ये निकालने का तरीका क्या होता है कि आप अपने आउटपुट वाले वर्ड का अपने सारे इनपुट वाले वर्ड्स के साथ एक तरीके से बोला जाए तो सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हो और फिर जो सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा निकल के आती है आप उसी वर्ड को यूज uh, करते हो टू कैलकुलेट दिस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर हाई लेवल ओवर व्यू है बट अगर आप इसमें समझने की कोशिश करो तो फॉर ईच वर्ड दैट इज प्रेजेंट इन योर आउटपुट यू हैव टू कैलकुलेट सिमिलैरिटी स्कोर्स फॉर विथ ऑल द वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन योर इनपुट सो लेट्स अगर आपके इनपुट में एन वर्ड्स हैं और आपके आउटपुट में एम वर्ड्स हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो तो बेसिकली यू हैव टू परफॉर्म एन क्रॉस एम ये क्या हो रहा है ये क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है एंड देन इफ द सेंटेंस इज वेरी लॉन्ग तो फिर यू हैव टू डू इट मल्टीपल टाइम्स तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अटेंशन मैकेनिज्म कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक हो जा रही है और ट्रेनिंग टाइम स्लो हो जा रहा है तो रिसर्चर्स ने जब रिसर्च किया और समझने की कोशिश की इस प्रॉब्लम को तो बहुत अलग अलग टाइप के और अटेंशन मैकेनिज्म्स आए इनफैक्ट 2015 से लेकर के 2017 के बीच में अलग अलग टाइप के अटेंशन मैकेनिज्म्स आए जो इस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे बट इवेंचुअली रिसर्चर्स रियलाइज कि मेन प्रॉब्लम अटेंशन मैकेनिज्म में नहीं है मेन प्रॉब्लम यहां पर है कि आप एल को यूज कर रहे हो जो कि एसेंशियली फीक्वेंशियल ऑर्डर में काम करते हैं मतलब एक बार में एक ही वर्ड को रिसीव कर सकते हैं उसके बाद दूसरे वर्ड को फिर तीसरे वर्ड को तो so ये जो पूरा काम हो रहा है ये वन स्टेप एट अ टाइम ही हो सकता है एंड दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम सो रिसर्चर्स देन स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि क्या कोई तरीका है कि हम ये जो सीक्वेंशियल नेचर है एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर का इसको हटा करके किसी तरीके से पैरेलल प्रोसेसिंग को पिक्चर में ला पाए बिकॉज अगर पैरेलल प्रोसेसिंग पिक्चर में आ जाएगी तो फिर ट्रेनिंग टाइम बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारी हिस्ट्री में स्टेप स्टेज थ्री में ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं जिन्होंने आके एन का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया तो 2017 में गूगल ब्रेन की तरफ से एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर आया जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड ये पेपर इतना पॉपुलर हुआ कि इसके काउंटलेस साइटेशंस हैं कितने यूट्यूब वीडियोस बने होंगे इसके ऊपर और आज के रेट में प्रोबेबली हर डीप लर्निंग कोर्स में एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा आई एम प्रिटी श्योर दिस वॉज द फर्स्ट पेपर जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया सो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो था ना उसमें जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में ये जो रिसर्चर्स हैं इन लोगों ने एल को पूरी तरह से डिच कर दिया हटा दिया उन्होंने बोला कि हमारे आर्किटेक्चर को एलएसटीएमस या फॉर दैट मैटर किसी भी टाइप के आरएनएन सेल की कोई जरूरत नहीं है अटेंशन इज ऑल यू नीड अटेंशन से ही आपका काम चल जाएगा इनफैक्ट व्हाट दे डेट दे इंप्लीमेंटेड अ न्यू काइंड ऑफ अटेंशन जिसको सेल्फ अटेंशन बोला जाता है अभी क्या होता है ये सब हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे बट मैं आपको एक रफ आईडिया दे देता हूं अभी भी जो आर्किटेक्चर है उसमें एनकोडर डी होता है यू कैन सी एनकोडर ब्लॉक ब्लॉक भी भी है भी है बट इनके अंदर अब एल हो रहा और यहां भी एल हो रहा इनफैक्ट एक चेंज क्या है कि यहाँ पर एनकोडर मॉड्यूल के अंदर भी अटेंशन यूज हो रहा है और डी के अंदर भी अटेंशन यूज हो रहा है एंड अलोंग विद डैट थोड़ा बहुत फुली कनेक्टेड डेंस लेयर्स यूज हो रहे हैं अब जो बेस्ट पार्ट है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का वो ये है कि पुराने एनकोडर डिकोडर मॉड्यूल्स जो भी आपने पढ़े विथ और विदाउट अटेंशन उनमें सबसे बड़ा बॉटल क्या था कि आप एक बार में एक ही वर्ड रीड कर सकते थे राइट right. ट्रांसफॉर्मर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एक साथ इनपुट में दिए गए सारे वर्ड्स को साइमेंटेनियसली देख सकते हैं एंड दिस पैरल प्रोसेसिंग इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का जो ट्रेनिंग है वो बहुत फास्ट होता है इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज द एक्चुअल आर्किटेक्चर दिस पेपर इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पर यू कैन सी ये जो पार्ट है दिस इज योर एनकोडर पार्ट और ये जो पार्ट है दिस इज योर डी पार्ट ठीक है सो so, बहुत डिटेल में भी नहीं जा सकते बिकॉज इतना शॉर्ट में कवर करने वाली चीज नहीं है बट एक चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें यूज नहीं हुई है यहाँ पर अटेंशन लेयर यूज हुआ है नॉर्मलाइजेशन लेयर्स यूज हुए हैं उसके अलावा डेंस लेयर्स यूज हुए हैं और एम्बेडिंग्स यूज हुई हैं तो जो चीजें हम ऑलरेडी समझते हैं मोस्टली वैसी चीजों को ही मिला करके समहाउ इन रिसर्चर्स ने एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग आर्किटेक्चर क्रिएट किया जिसने एनएलपी का फ्यूचर ही बदल दिया

ऐसे बदल गया ठीक है तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मर्स के आने के बाद एनएलपी का जो पूरा हिस्ट्री है वो बहुत तेजी से इवॉल्व होने लगा तो ट्रांसफॉर्मर्स खुद में रिवॉल्यूशनरी थे बहुत ही तगड़ा आर्किटेक्चर था और जब भी आप ट्रांसफॉर्मर्स को सही से ट्रेन करते हो आपको ऑलमोस्ट हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स मिलते हैं द ओनली प्रॉब्लम इज कि ट्रांसफॉर्मर्स को स्क्रैच से ट्रेन करना टेढ़ी uh, खीर है वाई आई गिव यू सम रीजंस। पहला रीजन है इट रिक्वायर्स हार्डवेयर मतलब यू नीड गुड क्वालिटी जी पी यूज तो थोड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व है ट्रांसफॉर्मर्स को स्क्रैच से ग्राउंड अप ट्रेन करने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर uh, है टाइम भले ही ट्रांसफॉर्मर्स अटेंशन बेस्ड एनकोडर डी या फिर नॉर्मल एनकोडर डी से फास्ट ट्रेन होते हैं बट स्टिल सिग्निफिकेंट टाइम लगता है ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा सेट बट टाइम लगता है बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ट्रांसफॉर्मर्स को स्क्रैच से ट्रेन करने में वो है डेटा यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा मतलब लेट्स से आप एक सेंटिमेंट एनालिसिस टास्क को सॉल्व करना चाहते हो यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर तो यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ डेटा लाख, चाहिए जिनके पास इनसेन अमाउंट ऑफ डेटा है कई बार हमारे पास बहुत कम डेटा रहता है मान लो सिर्फ हंड्रेड रोज है या फिर सिर्फ थाउजेंड रोज है अब इतने कम डेटा पे स्क्रैच से ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन करने पे आपको उतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं सो so, ये एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्टिंग फैक्टर बन गया इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी जो आई ट्रांसफॉर्मर हर कोई इसको यूज नहीं कर पा रहा था बिकॉज देर वर रेस्ट्रिक्शंस सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हमारा अगला स्टेज इन आर हिस्ट्री एंड दैट इज ट्रांसफर लर्निंग और वही हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो 2018 में क्या हुआ कि एक और बहुत फेमस रिसर्च पेपर आया फ्रॉम जेरेमी हॉवर्ड एंड एंडस्टिन ये दोनों बहुत ही फेमस रिसर्चर्स हैं इनफैक्ट जेरेमी हॉवर्ड का बहुत फेमस यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ही टीचेस डीप लर्निंग एक्सेट्रा यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट जो भी है इस पेपर का नाम था यूनिवर्सल लैंग्वेज मॉडल फाइन ट्यूनिंग फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन Uh, इसको शॉर्ट so, इस में एक्चुअली यूएलएम फिट बोला जाता है ठीक है सो ये पेपर वॉज अगेन अ लैंडमार्क पेपर बिकॉज इस पेपर में इन दोनों ने ये प्रपोज किया कि ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट एन एल पी के डोमेन में यूज किया जा सकता है इन्होंने पहले तो ये बताया कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक ट्रांसफर लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो सिर्फ विजन के डोमेन में काम करता था कंप्यूटर विजन के डोमेन में एंड अनफॉर्चुनेटली एनएलपी टास्क में ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई नहीं हो पाता था बट इस पेपर में दे गेव अ फ्रेमवर्क बाय द नेम ऑफ यू फिट जहां पर उन्होंने ये बताया कि ट्रांसफर लर्निंग कैन ऑल्सो भी अप्लाइड टू एन टास्क तो एक बार समझते हैं इस पूरे चीज को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग दो स्टेप्स में समझेंगे पहला तो एक बार विल टेक अ क्विक रिवीजन की ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्यों एन के डोमेन में ट्रांसफर लर्निंग फिट नहीं बैठता था ठीक है तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट वॉट इज ट्रांसफर लर्निंग ऑल हमने इस प्ले में पहले पढ़ा है बट आई जस्ट गिव यू अ क्विक रिविजन टेक्निकॉलेज लर्न फ्रॉम अ टास्क इज रीयू इन टू बूस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम्पल अगर आप इमेज क्लासिफिकेशन की बात करो तो नॉलेज गेन्ड वाय लर्निंग टू रिकॉग्नाइज कार्स कुड बी अप्लाइड व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज ट्रक्स सिंपल सी बात है हम भी करते हैं ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं अब आपने अगर लेट्स से साइकिल चलाना सीखा तो आपके लिए बाइक चलाना सीखना आसान होता है क्यों बिकॉज आपने काफी नॉलेज ऑलरेडी गेन कर लिया एक सिमिलर टास्क में उसको आप एक्चुअली ट्रांसफर कर सकते हो इन टू इट ट्रांसफर लर्निंग सो ट्रांसफर लर्निंग में दो स्टेप्स होते हैं प्रिसाइजली और वो दोनों यहाँ पर आपको दिख जाएंगे द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज प्री ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग में आप क्या करते हो कि आप अपने मॉडल को लेते हो और एक बहुत बड़े यूनिवर्सल डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करते हो एक ऐसा डेटा सेट जिसमें बहुत सारे हैं। एंड द गोल इज टू लर्न ऑल द जनरल फीचर्स ऑफ द डेटा सेट ठीक है वंस यू आर डन विथ प्री ट्रेनिंग देन यू मूव टू स्टेप नंबर टू जिसको हम फाइन ट्यूनिंग भी बोलते हैं फाइन so ट्यूनिंग में आप क्या करते हो कि आप इस सेम ट्रेंड मॉडल को लेते हो और उसके जो शुरू वाले वेट्स हैं उसको आप रिटेन कर लेते हो बट जो लेटर स्टेज वाले लेटर लेयर वाले जो वेट्स हैं उनको आप हटा के अपने नए वेट्स लगा देते हो और फिर आप अपने काम के डेटा सेट के ऊपर उसको ट्रेन करते हो ठीक है और अब क्या होता है कि ये आपके काम के हिसाब से फाइन ट्यून हो जाता है और अच्छे प्रडिक्शन देता है इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इमेजनेट ये शायद आपने पढ़ा भी होगा सो इमेजनेट इज बेसिकली अ डेटा सेट विच कंटेन्स लाइक मिलियंस ऑफ इमेजेस ऑफ मल्टीपल थिंग्स सो आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर आप कोई एक सी एन एन आर्किटेक्चर को उठा सकते हो लेट से रेजनेट या फिर इंसेप्शन वी टू या कोई भी और और आप इस डेटा के ऊपर ट्रेन कर सकते हो और प्री ट्रेनिंग स्टेज में क्या होगा कि आपके आपका ये जो मॉडल है ये इस डेटा से कुछ जनरल फीचर्स लर्न कर जाएगा जैसे एजेस कैसे होते हैं या बेसिक शेप्स कैसे होते हैं जिनको मिला करके ही पूरी दुनिया की चीजें बनी है और अब आप क्या कर सकते हो कि आप सेकेंड स्टेज में इस मॉडल को उठा के उसको फाइन ट्यून कर सकते हो अपने काम के हिसाब से लेट से आपको एक कैट वर्सेस डॉग क्लासिफायर बनाना है राइट right? और आपके पास सिर्फ हंड्रेड इमेजेस हैं तो आप क्या करोगे इस इस इमेज नेट पे ट्रेंड मॉडल को उठाओगे और उसको फाइन ट्यून कर दोगे विच मींस उसके लेटर स्टेज वाले लेटर uh, लेयर वाले वेट्स को आप ट्रेन करोगे अपने डेटा सेट पे विच इज लाइक हंड्रेड इमेजेस ऑफ कैट्स एंड डॉग्स तो सिंस वो पहले ही से सीख चुका है एजेस और शेप्स वगैरह डिटेक्ट करना आपके डेटा सेट से वो ये भी सीख जाएगा कि कैट कैसा दिखता है और डॉग कैसा दिखता है और फिर वो तो इज होता है कैसे काम करता है इस प्लेलिस्ट में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा ट्रांसफर लर्निंग के ऊपर आप वो देख सकते हो बट फिलहाल मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दिया ट्रांसफर लर्निंग का अब ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि एनएलपी के डोमेन में ट्रांसफर लर्निंग उतना यूजफुल नहीं था ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं तो 2018 तक ट्रांसफर लर्निंग एनएलपी के डोमेन में अप्लाई क्यों नहीं हो पाया इसके दो बड़े रीजन थे पहला रीजन था टास्क स्पेसिफिसिटी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा परसेप्शन था कि टास्क होते हैं जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस हुआ या फिर नेम्ड एंटिटी रिकॉन्शन हुआ या पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग हुआ या फिर मशीन ट्रांसलेशन हुआ या फॉर दैट मैटर क्वेश्चन आंसरिंग या समराइज़ेशन हुआ ये सारे टास्क एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ठीक है और हर टास्क का अपना अलग रिक्वायरमेंट है और लोगों को ऐसा लगता था कि कोई एक सिंगल मॉडल किसी एक टास्क को सीख करके सारे टास्क कर पाए ये पॉसिबल नहीं है ठीक है मतलब यह है कि आपको एक ऐसा मॉडल उठाना है और उसको एक ऐसे टास्क पे ट्रेन करना है जिससे वो मॉडल लैंग्वेज के बेसिक्स सीख जाए और एक बार जब वो लैंग्वेज के बेसिक्स सीख जाएगा तो फिर ऑब्वियसली बाकी टास्क पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो लोगों ने कुछ ऐसे टास्क उठाए जैसे कि बीच में कुछ रिसर्चर्स ने मशीन ट्रांसलेशन को यूज़ किया एज अ टास्क जहाँ पर आप मशीन लर्निंग मशीन ट्रांसलेशन पे सीखोगे और फिर उसको कहीं भी अप्लाई कर पाओगे मॉडल को बट फिर यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम आ गई सेकेंड प्रॉब्लम वॉज लैक ऑफ डेटा सो मशीन ट्रांसलेशन के लिए आपको चाहिए खूब सारा डेटा सो so, बेसिकली आपको लेबल डेटा चाहिए मतलब आपके पास एक कॉलम में मान लो अगर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करवाना चाहते हो तो आपको एक कॉलम में खूब सारे इंग्लिश सेंटेंसेस चाहिए और दूसरे में खूब सारे हिंदी सेंटेंसेस चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली इतना डेटा अवेलेबल नहीं था टू ट्रेन अ मॉडल ऑन मशीन ट्रांसलेशन टास्क सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दीज टू रीजनस कभी भी एनएलपी के डोमेन में ट्रांसफर लर्निंग अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाया बट ये सब बदल गया 2018 में जब यूएलएम फिट वाला रिसर्च पेपर आया सो यूएलएम फिट वाले रिसर्च पेपर में रिसर्चर्स ने क्या अलग किया उन्होंने प्री ट्रेनिंग के लिए मशीन ट्रांसलेशन को यूज नहीं किया

एन या डीप लर्निंग मॉडल को नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन करना सिखाते हो जैसे कि आई लिव इन इंडिया एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज फिल इन द ब्लैंक तो जो ट्रेंड मॉडल होगा वो यहां पे क्रेडिट कर पाएगा कि इट शुड बी न्यू दिल्ली तो लैंग्वेज मॉडलिंग एक ऐसा टास्क है लैंग्वेज मॉडलिंग एक ऐसा टास्क है जहां पर आपको एक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल को अगला वर्ड प्रेडिक्ट करना सिखाना होता है अब मैं आपको बताता हूं कि लैंग्वेज मॉडलिंग एज प्री ट्रेनिंग क्यों इतना सक्सेसफुल हो पाया इसके पीछे दो रीजंस हैं और वो दोनों हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं तो लैंग्वेज मॉडलिंग एज अ प्री ट्रेनिंग टास्क के दो फायदे थे मैं आपको दोनों बताता हूं पहला जो फायदा है वो है रिच फीचर लर्निंग इसका ये मतलब है कि भले ये टास्क बहुत सिंपल लगता है कि आपको बस नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है बट इस छोटे से टास्क को सीखने में एक मॉडल बहुत कुछ सीखता है मतलब आप नॉट ओनली ग्रामेटिकल सेंटेक्स सीखते हो ताकि सेंटेंस सही से प्रिंट हो ग्रामेटिकली आप सेंटेंस के सिमेंटिक्स भी सीखते हो उसके पीछे का मीनिंग भी सीखते हो उसके अलावा कई बार जो अच्छे मॉडल्स होते हैं वो कॉमन सेंस भी डिराइव कर लेते हैं कॉन्टेक्स भी डिराइव कर लेते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड नॉलेज जो है वो डिराइव कर लेते हैं जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मान लो एक सेंटेंस है Uh, कुछ भी सेंटेंस ले सकते हैं जैसे कि द होटल वॉज एक्सेप्शनली कुछ भी ले सकते हो लेट्स से क्लीन येट द सर्विस वॉज इन द ब्लैंक अब अगर एक मॉडल सही से ट्रेंड है तो उसको ये वर्ड प्रिडिक्ट करना है अब वो कई तरह की चीजें सीख चुका है लैंग्वेज में एंड दैट इज वाई वो ये सीख चुका है कि येट अगर लगा है और पहले तारीफ की गई है तो फिर यहाँ पे पक्का कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट वाला वर्ड ही आना चाहिए जैसे कि बैड या पथेटिक तो ये फायदा है लैंग्वेज मॉडलिंग का कि जब आप नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना सिखाते हो एक मॉडल को बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर तो वो लैंग्वेज का बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेता है और फिर एक बार आपने वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया तो दैट नॉलेज इज़ एक्चुअली ट्रांसफरेबल टू अ लॉट ऑफ टास्क मतलब उसको यूज़ करके आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो आप उसको यूज़ करके क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम भी बना सकते हो आप उसको यूज़ करके टेक्स्ट समराइजेशन भी कर सकते हो एनईआर भी कर सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग भी कर सकते हो So, I hope आपको पहला पॉइंट समझ में आया नॉ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज मॉडलिंग द सेकेंड रीजन इज और द सेकेंड बेनिफिट इज ह्यूज अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा अभी तक प्रॉब्लम क्या थी अगर आप मशीन ट्रांसलेशन वाला टास्क कर रहे थे तो आपको लेबल्ड डेटा चाहिए था इसका मतलब आपको एक कॉलम में इंग्लिश के सेंटेंसेस चाहिए थे लेकिन दूसरे कॉलम में आपको हिंदी के सही ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस चाहिए थे तो इन अ वे ये जो टास्क था ये सुपरवाइज था इसमें आपको लेबल्ड डेटा चाहिए था बट अगर आप लैंग्वेज मॉडलिंग यूज कर रहे हो तो आप सोच के देखो आपको एक्चुअली लेबल्ड डेटा की जरूरत ही नहीं है आप कोई भी पीडीएफ उठाओ और उस पीडीएफ से आप डेटा सेट जनरेट कर सकते हो यू डोंट एनी लेबलिंग इसका मतलब इंटरनेट पे मौजूद जितना डेटा है वो सब आप यूज कर सकते हो सो इन दैट वेज आप बोल सकते हो कि दिस इज टास्क। दिस इज टास्क एंड दैट इज वाई इस तरह की प्री ट्रेनिंग को हम अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग बोलते हैं ठीक है तो लैंग्वेज मॉडलिंग टास्क इज एक्चुअली अ अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग टास्क So, ये दो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से लैंग्वेज मॉडलिंग को इस रिसर्च पेपर में प्राइमरी टास्क लिया गया फॉर प्री ट्रेनिंग तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि यूएलएम फिट वाले रिसर्च पेपर में रिसर्चर्स ने क्या सेटअप यूज किया ट्रांसफर लर्निंग के लिए सो so, उन्होंने सबसे पहले एक मॉडल लिया uh, जो कि एल का एक वेरिएंट था उसको हम ए डब्ल्यू डी एल एस टी एम बुलाते हैं अब इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ इट्स लाइक इट वाज स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल उस टाइम पे और इसको यूज किया उन्होंने ऑन डेटा सेट ऑफ विकिपीडिया टेक्स्ट मतलब बेसिकली विकीपीडिया के बहुत सारे आर्टिकल्स लिए और उसके ऊपर इन्होंने अनसुपरवाइज्ड प्री ट्रेनिंग कराया कौन से टास्क पे लैंग्वेज मॉडलिंग के टास्क पे बेसिकली अगला वर्ड प्रिडिक्ट करके बताओ ये बोला उन्होंने इस मॉडल को जैसे ही मॉडल ट्रेन हो गया तो इन्होंने इस मॉडल के आउटपुट लेयर को चेंज कर दिया विद अ क्लासिफायर और फिर इसको खूब सारे अलग-अलग डेटासेट्स -अलग दिए जैसे कि आईएमडीबी का मूवी रिव्यूज का डेटासेट या येल्प के रिव्यूज का डेटा सेट या फिर न्यूज डेटा सेट और इन डेटा सेट्स पे इस मॉडल को ट्रेन कराया सो दिस पार्ट वाज बेसिकली फाइन ट्यूनिंग और ये करने के बाद फाइनली हमें जो मॉडल मिला उसको जब उन्होंने टेस्ट किया ऑन डिफरेंट इनपुट्स तो दे रियलाइज्ड कि द परफॉर्मेंस वाज स्टेट ऑफ द आर्ट ठीक है, परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड इनफैक्ट इन लोगों ने यहां तक बोला है कि अगर किसी ने मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन किया है और उसका रोज में जो रिजल्ट आ रहा था, इन लोगों का फाइन ट्यूनिंग यूज करके सिर्फ हंड्रेड रोज में उससे बेटर रिजल्ट आ रहा है इतने का डिफरेंस आ जा रहा है सो so बेसिकली आपको टेन थाउजेंड रोज ऑफ डेटा पे स्क्रैच से मॉडल ट्यून करने के बदले सिर्फ हंड्रेड रोज पे ये फाइन ट्यून्ड मॉडल मिल जाए तो आप बेटर परफॉर्म करोगे एंड दिस वाज रिवॉल्यूशनरी राइट बस एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इस पेपर में दे डिड नॉट यूज अ ट्रांसफॉर्मर और उसका रीजन ये था कि ये जो दोनों पेपर्स हैं अटेंशन इज ऑल यू नीड ट्रांसफॉर्मर्स वाला पेपर जो 2017 में आया और ये वाला पेपर जो 2018 में आया ये मेरे को लगता है दोनों सेट ऑफ रिसर्चर्स रिसर्चर्स देवर वर्किंग पैरेलली और इन दोनों को ही एक दूसरे के काम के बारे में शायद उस तरीके से अंदाज़ा नहीं था कि इतना सही कुछ निकल के आएगा सो so बेसिकली इस पॉइंट पे 2018 में अब हमारे पास दो बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स जैसा मॉडल है और फिर ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग जैसा टेक्निक है अब आई गेस आपको ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है ये सोचने के लिए कि अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर ट्रांसफर लर्निंग लगा दो तो क्या बवाल हो सकता है और वही है हमारा अगला पार्ट स्टेज फाइव ऑफ द हिस्ट्री और गाइस फिर जिसका डर था वही हुआ आई एम किडिंग दो में अराउंड दस महीने बाद मतलब यूएलएम फिट वाला पेपर शायद जैन में आया था अराउंड अक्टूबर में दो नए लैंग्वेज मॉडल्स ट्रांसफॉर्मर बेस्ड लैंग्वेज मॉडल्स रिलीज़ हुए वन फ्रॉम गूगल जिसका नाम था बर्ट एंड वन फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड ओपन ए आई जिसका नाम था जीपीटी। और ये दोनों ही लैंग्वेज मॉडल्स थे विच बेसिकली मीन्स कि वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन का टास्क कर रहे थे द ओनली डिफरेंस वॉज कि इनका जो ट्रेनिंग था वो एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे हुआ था और जो डेटा सेट यूज किया गया था इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए दैट डेटा सेट वॉज ह्यूज लाइक बहुत बड़ा डेटा सेट ठीक है जिसकी वजह से ये दोनों जो मॉडल्स थे

both of them were really good at it the only difference in both of them was that bert was a encoder only model and gpt was a decoder only model but dono they language models he. अब ये एनकोडर ओनली और डी कोडर ओनली क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग बर्ट और जीपीटी डिस्कस करेंगे बट या yeah, जैसे ही ये आया ना उसके बाद हर किसी के पास ये पावर था कि वो इन ट्रेनड ट्रांसफॉर्मर्स को डाउनलोड कर सकता था और अपने लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर फाइन ट्यून कर सकता था और स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट ला सकता था और इसके बाद एन का फील्ड टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया इनफैक्ट ओपन ए तो रुका ही नहीं ओपन ए के जी के फिर सक्सेसिव वर्जन्स आए जी पी टी टू आया एंड उसके बाद फाइनली जी पी टी थ्री आया जिसने धमाल मचा दिया इनफैक्ट ये जो सक्सेसिव लैंग्वेज मॉडल्स थे ये इतने बड़े थे इतने बड़े मतलब इनमें इतने ज्यादा पैरामीटर्स थे और ये इतने बड़े डेटा सेट्स ट्रेन हुए थे कि इनको लैंग्वेज मॉडल बुलाने के बदले लोगों ने इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बुलाना शुरू कर दिया एंड दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एलेस अब मैं क्विकली एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कब एक लैंग्वेज मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाता है तो गाइस चलो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ एलएलएम्स मतलब कब एक लैंग्वेज मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाता है वो डिस्कस करते हैं तो आई टॉक अबाउट फाइव एस्पेक्ट्स उनमें सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो है डेटा एलएलएम्स की खासियत क्या है कि एलएलएम्स बहुत बड़े डेटा के ऊपर ट्रेन होते हैं लाइक लिटरली बिलियंस ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन डेटा डेटा में उस तरह के डेटा सेट पर ट्रेन होते हैं जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू जी पी थ्री का तो जी पी थ्री ट्रेन हुआ है फोर्टी फाइव टेराबाइट ऑफ डेटा के ऊपर यू कैन जस्ट इमेजिन कितना बड़ा डेटा सेट है ये ये जो डेटा सेट था ये एक्चुअली सोर्स किया गया फ्रॉम डिफरेंट ई बुक्स फ्रॉम वेबसाइट्स एंड फ्रॉम इन जनरल इंटरनेट लाइक रेडिट टाइप की वेबसाइट बहुत यूज हुई जी पी टी थ्री को ट्रेन होने के लिए uh, एक चीज और बहुत ख्याल रखी जाती है कि जो डेटा प्रोवाइड करो उसमें बहुत डायवर्सिटी हो डायवर्सिटी का मतलब यह है कि अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग टाइप का डेटा हो ताकि आपके मॉडल में बायस ज्यादा ना हो ठीक है तो पहला पॉइंट हो गया डेटा दूसरा पॉइंट है ट्रेनिंग का हार्डवेयर ऑब्वियसली डीप लर्निंग मॉडल है तो इट विल रिक्वायर जीपीयूस तो एल एल एम्स में भी सेम है एल एल एम्स में इनफैक्ट यू नीड क्लस्टर्स ऑफ जीपी लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से ट्रेन होता है एंड यू नीड अ लॉट ऑफ जी ठीक है अगेन इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ जीपीटी थ्री तो जी पी टी थ्री हैज बीन ट्रेन यूजिंग अ सुपर कंप्यूटर विच हैज लाइक थाउजेंड ऑफ एन वीडिया जी ठीक है और इसके अलावा रैम बहुत ज्यादा चाहिए इंटरनेट uh, कनेक्टिविटी बहुत सही होनी चाहिए बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आप यूज कर रहे हो तो हार्डवेयर में बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ट्रेन योर ओन एलएलएम तीसरी बात हम करते हैं ट्रेनिंग टाइम की तो ऑब्वियसली जब आप फोर्टी फाइव टेराबाइट के स्केल पे डेटा को लेके ट्रेन कर रहे हो तो ट्रेनिंग टाइम लाजमी है कि बहुत ज्यादा ही लगेगा सो इवन विथ गुड क्वालिटी हार्डवेयर इट वुड टेक डेज टू वीक्स इन ऑर्डर टू ट्रेन अ एल एल एम काफी टाइम लगता है एंड इट ऑब्वियसली डिपेंड्स आपके स्केल पे ट्रेनिंग कर रहे हो क्या हार्डवेयर है बट द ट्रेनिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट कॉस्ट में अगर हम बात करें तो आपको इन्वेस्ट करना होता है हार्डवेयर में आपको इन्वेस्ट करना होता है इलेक्ट्रिसिटी में लाइक लिटरली इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा होता है यू हैव टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज सुपर कंप्यूटर लेवल की आप बात कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की आप बात कर रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड एक्सपर्ट्स यू नीड पीपल जिनको इस लेवल पे काम करना आता है तो यू नीड ह्यूमन एक्सपर्ट्स और उनको हायर करने में उनको पे करने में भी काफी पैसा लगता है तो इन शॉर्ट एल को अगर आप ट्रेन करने जाओगे इट वुड टेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स लाइक लिटरली टेन ट्वेंटी करोड़ सो आराम से आपके खर्चा हो जाएगा तो इसी से समझ में आ रहा है कि इसको ट्रेन कर पाना इंडिविजुअल्स के बस की बात नहीं है मोस्ट लाइकली इसको ट्रेन कौन कर सकता है लार्ज कंपनीज जैसे कि गूगल हुआ फेसबुक हुआ माइक्रोसॉफ्ट हुआ या फिर मे बी गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूट बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं अब इंडिया में अगर आप बात करो तो आई आई टी लेवल के इंस्टीट्यूट रियोर really sure, अभी एल एल एम्स को खुद से ट्रेन किया है कि नहीं बट या दे द पोटेंशियल टू एक्चुअली ट्रेनएल एंड लास्टली आई वु जस्ट टॉक अबाउट एनर्जी कंजम्पन क्योंकि जब भी बात होती है ना एल एल एम्स की तो एनर्जी के बारे में भी काफी बात होती है बिकॉज एल एल एम्स को ट्रेन करने में ना बहुत ज्यादा एनर्जी का आ, एनर्जी का कंजम्पशन है ठीक है कितना एनर्जी का कंजम्पन है एग्जैक्टली exactly बता पाना थोड़ा मुश्किल है आई एम श्योर इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है बट ऐसा बोला जाता है कि जी पी थ्री लेवल का एल एल एम को ट्रेन करने के लिए जिसमें एक सौ पचहत्तर बिलियन के आसपास पैरामीटर्स है उतना ही एनर्जी लगता है जितने एनर्जी में एक छोटा शहर महीने भर अपना काम चला लेगा छोटा शहर मतलब छोटा शहर ठीक है मंथ uh, लॉन्ग जो एनर्जी कंजम्पशन कंजम्पशन होगा एक छोटे शहर का ऑलमोस्ट उतना ही जीपीटी थ्री को रन करने में तो यू कैन जस्ट इमेजिन आप किस स्केल पे बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो फोर्टी फाइव टेरा की आप बात कर रहे हो सुपर कंप्यूटर की आप बात कर रहे हो हफ्ते लग रहे हैं ट्रेनिंग करने में आप बात कर रहे हो करोड़ों रुपए की और आप बात कर रहे हो महीने भर के एक सिटी का इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन की तो इसी से समझ में आ रहा है कि वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल एंड दैट इज व्हाई दीज मॉडल्स आर कॉल्ड एलएलएमस और आज के डेट में दुनिया क्रेजी हुई पड़ी है इन मॉडल्स के लिए सो so गाइस काफी बात हो गई हिस्ट्री की अब बात करते हैं प्रेजेंट की एंड द प्रेजेंट इज चैट जीपीटी चैट जीपीटी के लिए आप शायद ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगा कि लास्ट में एक डिस्कशन तो चार्ट जीपीटी के ऊपर भी होना चाहिए सो एक लास्ट डिस्कशन करते हैं कि जीपीटी थ्री से चार्ट जीपीटी तक का सफर कैसा था ठीक है तो सबसे पहले फॉर द अनइनिशिएटेड एक छोटी सी चीज क्लैरिफाई कर देते हैं कि जीपीटी और चार्ट जीपीटी बोथ आर डिफरेंट मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है तो उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि जीपीटी एंड चैट जीपीटी आर द सेम थिंग तो लेट मी क्लैरिफाई दे आर डिफरेंट जीपीटी जो है वो मॉडल है और चैट जीपीटी जो है वो एक एप्लीकेशन है बेसिकली एक चैट बॉट एप्लीकेशन है जो कि बनाया गया है यूजिंग द जी मॉडल सो अगर आपको एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल मैं दू तो आप ऐसे सोचो कि लैपटॉप का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो लैपटॉप लेट से एच का है बट उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इंटेल का है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि लैपटॉप इंटेल का है लैपटॉप एच ही है उसके अंदर प्रोसेसर इंटेल का है तो यहां पे एच हो गया चार जी और इंटेल हो गया अपना जीपीटी अब मजे की बात यह है कि जिस तरीके से इंटेल का प्रोसेसर यूज करके डेल का लैपटॉप भी बन सकता है असूस uh, का लैपटॉप भी बन सकता है सिमिलरली जीपीटी को यूज करके और बहुत तरह के एप्लीकेशन भी बन सकते हैं जैसे आपने शायद गूगल के बार्ड का नाम सुना होगा या फिर जैस्पर का नाम सुना होगा तो ये सारे कुछ एप्लीकेशन हैं जो जी को यूज करके ही बने बट वही है कि चार्ट जीपीटी इज द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन ऑफ जीपीटी ठीक है तो लास्ट ईयर नवंबर के अराउंड रिलीज हुआ था और उसके बाद से तो पूरी दुनिया में भूचाल आ गया एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस क्रेजी गुड एप्लीकेशन जो बिल्कुल ह्यूमन जैसा चैट प्रोड्यूस कर सकता है तो सबको ये पता है कि चैट जीपीटी क्या है और वो क्या कर सकता है बट बहुत कम लोगों को पता है कि चैट जीपीटी को बनाने का प्रोसेस क्या था जीपीटी से चैट जीपीटी तक कैसे पहुंचा गया जीपीटी थ्री से स्पेसिफिकली चैट जीपीटी तक कैसे पहुंचा गया तो मैं आपको बताता हूँ चार पांच पॉइंट्स में कि चैट जीपीटी को कैसे बनाया गया यूजिंग जीपीटी थ्री सो ऑब्वियसली जीपीटी थ्री को उठाया गया और उसके ऊपर तीन चार मॉडिफिकेशन किए गए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ जो सबसे फेमस अ और इंटरेस्टिंग चीज की गई इन ऑर्डर टू बिल्ड चार जीपीटी दैट वॉज आर एल एच एफ अगर आप किसी भी ओपन ए आई के सीनियर इंजीनियर uh, या फिर फाउंडर वगैरह का इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने ये टर्म बहुत बार बोला है इस टर्म का फुल फॉर्म होता है री लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक ठीक है मैं इसका मतलब समझाता हूँ प्रिसाइजली ये जो प्रोसेस है ये दो स्टेप्स में एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट स्टेप ओपन ए ने क्या किया कि उन लोगों ने सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग कियापरवाइज फाइन ट्यूनिंग किया सो so इस सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में उन्होंने क्या किया एक बड़ा सा डेटा सेट गैदर किया जहां पर ह्यूमन के बीच के कॉन्वर्सेशन का डेटा था

उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है कि री लर्निंग अप्लाई किया गया ठीक है चार्टीपीटी को बोला गया कि फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट और इनपुट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज तो चार्ट जीपीटी मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देता था अब क्या हुआ कि ह्यूमंस आए इस लूप में जो उनके इंजीनियर्स थे या जो भी उनका टीम था ह्यूमंस क्या करने लग गए चार्ट चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स आ रहे थे उसको रैंक करने लग गए इन अ वे चैट जीपीटी को बताने लग गए विथ ह्यूमन फीडबैक इंप्लीमेंट किया गया ऑब्बियसली मैं आपको हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूं बट दैट वॉज द कोर आइडिया बिहाइंड आरएल और आज की डेट में भी खुद उनकी टीम वॉज दैट ग्रेट आइडिया जिसने चार्ट जीपीटी को इतना पॉपुलर बनाया ठीक है चार्ट जीपीटी को बनाने में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ओपन एआई की टीम ने की वो था टू इनकॉर्पोरेट टू इनकॉर्पोरेट सेफ्टी एंड एथिकल गाइडलाइंस शायद ये आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि आप चार्ट जीपीटी से अगर से पूछ लो कि भाई बॉम्ब कैसे बनाया जाता है तो देर इज अ गुड चांस आई एम प्रेटी श्योर देर इज अ गुड चांस कि वो आपको नहीं बताएगा और वो आपको इस तरीके से बोलेगा कि ये सही नहीं है ठीक है तो हुआ क्या कि चैट जीपीटी को बनाने के प्रोसेस में ओपन एआई की टीम ने काफी मेहनत की टू अवॉइड हार्मफुल एंड इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट लाइक कमिंग आउट फ्रॉम चैट जीपीटी दे एक्चुअली ट्राइड अलॉट दे टेस्टेड अलॉट एंड दे फाइन ट्यू देयर मॉडल इन अ वे की चार्ट जी पी टी बहुत ही कम एटलीस्ट शुरू में फिर भी थोड़ा बहुत था बट ओवर द ईयर ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ वन ईयर अब आप नोटिस करोगे कि हार्मफुल या फिर इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट नहीं आता है चार्ट जी पी टी के थ्रू ठीक है सेकेंड दे एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड टू मिनिमाइज बायसेस ठीक है उन्होंने एक्चुअली अपना डेटा बहुत अलग अलग जगहों से सोर्स किया सो so दैट जो बायसेज होते हैं वो ना रहे ठीक है थर्ड एक और इंटरेस्टिंग चीज ओपन आई ने जो की वो था इंप्रूवमेंट इन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो so, GPT-3 जो था वो एक इनपुट के लिए एक रिस्पॉन्स देता था और चीजों को भूल जाता था उसके अंदर ऐसा कॉन्टेक्स्ट रिटेन करने का पावर नहीं था बट चैट GPT में ये पावर है चार्ट जीपीन कॉन्टेक्सट मतलब अगर मैं उससे किसी एक जो तुमने तीन क्वेश्चन पहले जो आंसर किया था उसमें तुमने ये क्यों बोला एंड चार्ट जीपीटी विल एक्चुअली रिमेम्बर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायलॉग्स एंड कॉन्वर्सेशन राइट कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे बात कर रहे हो उसको एटलीस्ट याद रहे कि पांच मिनट पहले हम क्या बात कर रहे हैं तो चैट जीपीटी में ये चीज डाली गई एक्सप्लिसिटली फोर्थ है जो ट्रेनिंग हुई है चैट जीपीटी की वो बहुत डायलॉग स्पेसिफिक ट्रेनिंग हुई है जीपीटी जो था जीपीटी वन जीपीटी टू जीपीटी थ्री उसका जो ट्रेनिंग है दैट वाज लाइक लैंग्वेज मॉडलिंग नेक्स्ट वर्ड प्रोडिक्शन बट चैट जीपीटी में एक्सप्लिसिटली जो सुपरवाइज्ड प्री ट्रेनिंग सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग हुआ है वहां पर पूरे टाइम चैट जीपीटी को कॉन्वर्सेशन बेस्ड डेटा दिया गया जिससे क्या फ़ायदा हुआ कि चैट जीपीटी को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि ह्यूमन्स कैसे बात करते हैं और डायलॉग हैवी जो लैंग्वेज है उसमें क्या पैटर्न्स होते हैं सिंपल सी बात है जो डेटा के ऊपर उसने पढ़ाई की उस चीज के बारे में उसको ज्यादा पता है सो so, ज्यादा फोकस्ड है चैट करने के लिए ठीक है एंड द लास्ट पॉइंट वॉज ओपन ए आई बीन प्रोएक्टिव इन द सेंस कि उन्होंने थ्रू आउट दिस लास्ट वन ईयर चैट जी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया है बेस्ड ऑन ह्यूमन फीडबैक और ह्यूमन फीडबैक थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है यूजर फीडबैक सो आप नोटिस करोगे आज की डेट में भी अगर आप चार्ट जीपीटी यूज करोगे वहां पे थम्स अप आइकन थम्स डाउन आइकन रहता है जिससे आप बता सकते हो कि आपको आंसर सही लगा सही नहीं लगा बीच में मैंने नोटिस किया था कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तो चार्ट जीपीटी दो आंसर एक साथ प्रिंट कर रहा था और फिर एंड में पूछ रहा था कि ये अच्छा लगा या ये अच्छा लगा तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ओपन ए इज मेकिंग श्योर कि वो कंटिन्यूसली यूजर से फीडबैक ले रहे हैं और उस फीडबैक के बेसिस पे दे आर ट्रेनिंग एंड रिफाइनिंग चार्ट जीपीटी अगेन एंड अगेन और उसके बाद तो फाइनली फिर जीपीटी फोर आ गया और जीपीटी पी टी फोर इज मोर पावरफुल मॉडल इन कंपैरिजन टू जीपीटी थ्री तो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो और ज्यादा बढ़िया हो गए अब हु नोस आगे क्या है फ्यूचर बट आई एम प्रेटी श्योर जी पी टी फाइव सिक्स सेवन वुड बी क्रेजी गुड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड आपको इस वीडियो से काफी नॉलेज मिला होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना आई एम प्लानिंग टू मेक वन मोर वीडियो जो इस वीडियो का सीक्वेल होगा और वहां पर मैं क्या कवर करने वाला हूँ कि चार जीपीटी के आने के बाद से पिछले एक साल में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई एक बार आप कमेंट में लिख करके बताना अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो आ, इनफ कमेंट्स होंगे तो ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा बाकी आई होप वीडियो ये वाला आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय